नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आज मैं बारिश में मीठे पकोड़े लेकर के आई हूँ। जिन्हें मीठा खाने का शौक है, बाज़ार की मिठाइयाँ नहीं खाना पसंद है, तो उनके लिए ये बहुत ही देसी स्टाइल में मिठाई बनाई हमने। बहुत हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि गेहूँ का आटा हमने यूज़ किया है। तो इसको बनाना सीखेंगे हम, और देखिए इसका टेक्स्चर कितने सॉफ्ट हैं, ये अंदर से कितने जालीदार हैं, ये देखिए। तो ये पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। ये झाली आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से होल दिख रहे हैं। इसको हम परफेक्ट नाप के साथ सीखेंगे, और आइए झटपट से इन्हें बनाना सीखें। मीठे पकोड़े बनाएंगे हम, गुलगुले जिसे बोलते हैं। तो ये 2 कप आटा मैंने नॉर्मल जो रोटी का होता है ये ले लिया है, क्योंकि ये गुलगुले हर छोटे मोटे तीज त्यौहार पर पूजा में काम में आते हैं। और जब अभी पकोड़ों का सीज़न चल रहा है तो चरके पकोड़ों के साथ ये मीठे पकोड़े भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये नॉर्मल 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें मैं कुटी हुई इलायची डाल दूँगी, सौंफ डाल दूँगी, थोड़ी सी तेल डाल दूँगी, और एक चुटकी, बस ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप चीनी डालेंगे। आप अगर तीखा खाते हैं तो 1 कप तक भी डाल सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो शक्कर को भी हमने इसमें मिक्स कर दिया, और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून दूध की मलाई डालेंगे। मलाई से जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश मलाई होती है तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बनते हैं हमारे मीठे पकोड़े। अब इसमें हम पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे। तो 1/2 कप पानी ले लिया है मैंने, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। सारा पानी एक साथ नहीं डालना, वरना लम्स हो जाएंगे। और ये गोल हमें बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है, रिबन कंसिस्टेंसी में नहीं बनाना, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमारे जो गुलगुले हैं वो जाकर के कढ़ाई में चिपक जाएंगे और चपटे हो जाएंगे, जबकि हमें इसका शेप बनाना है गुलाब जामुन जैसा, गुलाब जामुन जैसे होते हैं वैसे इसका लुक होना चाहिए। 1/2 कप पानी मैंने और ले लिया, और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स कर रही हूँ। आप शक्कर को पानी में घोल करके हल्का सा गुनगुना करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका फटाफट बनेगा। तो अभी तक मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, 1/2 कप पानी और ले लिया। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि आटे की क्वालिटी पर भी वो कितना पानी पिएगा ये डिपेंड करता है। लेकिन आप जितना भी पानी डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसमें देखिए साबुत चीनी है अभी, तो अभी हम इसको अच्छे से चलाएंगे और गलेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो अभी हम इसको अच्छे से फेंट लेते, बस इतना गाढ़ा है अभी, इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे। अभी पहले हम इसको अच्छे से घोलेंगे ताकि जो क्रिस्टल्स हैं शक्कर के वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, और इसी कंसिस्टेंसी में हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, और फिर थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। और पानी जो आवश्यक होगा तो वो हम बाद में डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। अभी पानी डाल देंगे तो फिर हमारी शक्कर जो है गुलने से रह जाएगी। तो काफ़ी अच्छा गुल गया है हमारा ये आटा, और अभी तक मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था, ऐसे करके 1.5 कप पानी मैंने अभी तक यूज़ कर लिया है। और अब इसको हम थोड़ी सी देर रेस्ट पर छोड़ेंगे। आप चाहें तो सोडा बाद में भी डाल सकते हैं, और अभी डाल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका। और अब इसको हम ढक देते हैं, 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ते हैं, ताकि शक्कर हमारी पूरी तरह से घुल जाए। अब 10 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा काफ़ी अच्छा सेट हो गया है, और शक्कर भी अच्छे से घुल गई है। अब 1 से 2 मिनट इस तरीके से फेंटेंगे। हमने तेल जो है गर्म होने चढ़ा दिया है, आप चाहें तो इससे घी में भी बना सकते हैं। और इसमें हमने जो तेल गर्म चढ़ाया उससे हम 2 टेबल स्पून जो है गर्म तेल इसमें डालेंगे। गर्म तेल डालने से हमारे काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट बनते हैं हमारे मीठे पुए पकोड़े। और अब इसको हम अच्छे से फेंटेंगे, 1 से 2 मिनट तक फेंट लेते हैं इसको। और अब मैं इसको हाथ से फेंटूंगी, हाथ से जो है
इसमें काफ़ी स्पंजीनेस आती है और हमारे आटे की कंसिस्टेंसी भी हमको समझ में आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम मुट्ठी को बंद करेंगे और आटे को दबाएंगे इस तरीके से करके। थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा हम इस तरीके से फेंट पाते हैं। जितना हम फेंटेंगे उतना हमारे फ्लफी और झालीदार हमारे जो हैं पकौड़े बनेंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हाथ से जैसे ऐसे गिराएंगे, बस इससे ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए। ज़्यादा टाइट लेंगे तो फिर सूखे सूखे से हमारे मीठे पकौड़े बनेंगे और टाइट नहीं होना है हमको। और पतला करेंगे तो बिल्कुल पूड़ी जैसा हो जाएगा। तो अभी हम पहले एक डाल करके देखेंगे और अगर हमें कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा लगी तो फिर हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आज आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई कि थोड़ा सा आटा आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो थोड़ा सा आटा मिला सकते हैं, अगर पतला हो जाए तो, गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आटा जो है मेरा काफ़ी अच्छा हो गया, तेल उधर गर्म हो गया है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, आँच हम मीडियम टू हाई रखेंगे। जिस वक्त हम मीठा पकौड़ा बनाएंगे डालते वक्त आँच हमें अच्छी चाहिए, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो पहले हम एक डाल करके देखते हैं, इस तरीके से हाथ में लेंगे और अंगूठे की सहायता से इसको गिराएंगे, ये देखिए। और अब पहले हम इसका शेप देख लेते हैं कि चपटा तो नहीं हो रहा है, अच्छे से फूल रहा है और गोल हो रहा है कि नहीं। काफ़ी अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा हो जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा गोल बना है, यानी परफेक्ट है हमारा आटा। अगर इस टाइम आपको लगे कि आपका जो है, ये देखिए गुलगुला जो है एकदम गोल बना है, अगर ऐसा ना बने तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी या आटा जिसकी भी ज़रूरत लगे आपको वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से हो रहा है और आँच इतनी चाहिए। और जब हम फ्राई कर रहे हैं तब तो हम इसको मीडियम कर देंगे, लेकिन डालते वक्त मीडियम टू हाई फ्लेम होनी चाहिए। फिर जैसे हम डाल लें उसके बाद टेम्परेचर कम हो जाता है तेल का, और कम टेम्परेचर जब हो जाता है तो उसमें हमें इसको फ्राई करना है। और पूरे टाइम अगर हम तेज़ आंच करके रखेंगे तो बाहर से तो हो जाएगा काला और अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो ये देखिए तो हमारा गोल बना है, अभी इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे इसमें। अब आंच को हम मीडियम कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से फूल गए हैं, और ये फूलने के बाद अपने आप अलग हो जाएंगे। तो देखिए हमने पलट करके भी देखा है और ये देखिए कितने छोटे छोटे डाले थे और कितने बड़े हो गए, इसका मतलब। और ये तेल के ऊपर तैरने लग जाते हैं और अगर जाकर के नीचे चिपक रहे हैं और चपटे हो रहे हैं, इस तरीके का शेप नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसमें आटा और ऐड करेंगे, ये इसकी पहचान है। और अब इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम आँच पर। मैंने गुलगुलों की रेसिपी, मीठे पकौड़ों की रेसिपी पहले भी शेयर कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं और अभी इनको होने देंगे, हम हल्का गोल्डन कलर का करेंगे। देखिए अब ये हो गए, इनको हम निकालेंगे, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे क्योंकि अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे ये, अंदर तक फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। और इस तरीके से हम और हमारे सारे बना लेते हैं गुलगुले। तो देखिए एक बार पकोड़े को गिराने का तरीका और बता देती हूँ मैं आपको। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, तेल गर्म होगा तभी वो झट से जा कर के एकदम से शेप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लिया और अंगूठे की सहायता से छोड़ा। ये देखिए बबल्स कितने आ रहे हैं तेल में, इतने टेम्परेचर चाहिए। और आपको लग रहा है कि आपके पकोड़े जो हैं आप डाल रहे हो चिपक रहे हैं, वो ऐसा नहीं, थोड़ी देर बाद वो अपने आप अलग हो जाते हैं। छोटे बड़े जैसे भी साइज आपको पसंद है, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि वो फूल करके काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये देखिए और तेल अच्छा होता है तो हाथों हाथ ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे किया और अंगूठे की सहायता से इसको डाला। अब देखिए गोल परफेक्ट है तो हाथ में चिपक भी नहीं रहा है और जल्दी से अलग हो रहा है। और ये देखिए कितना फटाफट से ये शेप ले रहा है, ये देखिए जाते ही शेप ले रहा है। और अब इसको हम पलट पलट के हल्का गोल्डन ब्राउन होगा तब तक तल लेंगे, और जब निकालेंगे तो तेज़ आंच रखेंगे ताकि ऑयली नहीं रहें, और लो आंच पे हम करते हैं ये तेल पीने लग जाएं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम ही आप हमेशा इसमें रखते रहेंगे। जैसे आपको लगे
कि आपने पकोड़े डाल दिए हैं, तो आँच को आप मीडियम कर दें। तेल को ठंडा नहीं होने देंगे वरना फिर ये चिठा जाएंगे, यानी चीठने का मतलब सॉफ्ट नहीं बनेंगे, जालीदार नहीं बनेंगे। देखिए मैंने इनको अलग अलग नहीं किया, डाल रहे थे उस टाइम लग रहा था कि चिपक रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चिपके। और ये देखिए कितने अच्छे से हो गए, ये बिल्कुल फूल गए। और इनको इस तरीके से हर थोड़ी देर में हिलाते रहना ताकि दोनों तरफ से एक जैसी सिकाई हो जाए इनकी। और गुड़ के होते हैं वो थोड़ा सा डार्क कलर होता है, लेकिन टेस्ट में वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इनमें जो है थोड़ा कलर जो है लाइट ही रहता है शक्कर वालों का। अब ये हो गए हैं, इनको हम अच्छे से झटक के निकाल लेंगे और किसी पेपर टॉवल पर नैपकिन पर निकाल लेंगे इनको। आप इसमें चाहें तो नारियल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल घिसा हुआ नारियल, कच्चा या डेसिकेटेड जो नारियल होता है वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और इनको स्टील के टिफ़िन में पेपर नैपकिन या किचन टॉवल लगा करके आप इनको इस तरीके से डालें और थोड़े से ठंडे हो जाएं तो गरम गरम हल्के गुनगुने में इनको ढक कर के रख दें। तो इस तरीके से रखने से ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, ये गरम भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रखने का तरीका बता दिया, इसको कढ़ी के साथ, दूध के साथ या ऐसे ही खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे मीठे पकोड़े जिन्हें हम गुलगुले कहते हैं वो बन करके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इनको गर्मा गर्म चरके पकोड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किसी को मीठा खाने का शौक़ है तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। तो इस तरीके से आप इन मीठे पकोड़ों को बना करके ज़रूर देखें इस बारिश में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।